बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट विशाल कुमार जयो, और एक बार फिर दान अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम लाइव आए हैं। और आज के हमारे गेस्ट है सर राजेश गोस्वामी साहब। ही इज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस। सर आपको आज जो है हम खुश आमदीद करते हैं, और आप कैसे हैं हमें बताएं। थैंक यू मिस्टर विशाल। वंस अगेन हम डान के प्लेटफॉर्म से हमारी यूथ के साथ और इन सारी टीम के साथ मौजूद हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि यानी एक खास टॉपिक आज आप लेके आए हो। यस सर। और हर वीक कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, सो लेट्स सी आज आपको ज़रूर फायदा भी मिलेगा और कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर होगा। थैंक यू सो मच सर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टीचिंग पेडागोगी। व्हाट इज दिस, के टीचिंग मेथड क्या होता है, मॉडर्न टाइम में जो टीचिंग है वो कैसे की जाए। लाइक हमारे क्लासरूम्स में अगर हम देखें तो आज भी ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो आज सारी डिस्कशन सर इस हवाले से होगी। और जो भी है सर, सबसे पहले मैं जो है वो आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप टीचिंग फील्ड में कैसे हैं, आपने कब स्टार्ट की, एंड व्हाट इज योर फोकस इन द क्लास। ओके, दैट इज रियली वंडरफुल क्वेश्चन। बेसिकली आई स्टार्टेड माय टीचिंग लर्निंग इन 2008। 2008 में मैंने स्टार्ट की थी, और टीचिंग जब मुझे मिली थी तो एज अ प्राइमरी स्कूल टीचिंग से स्टार्ट लिया था, एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग इन रूरल एरिया जहाँ पर स्कूल में कुछ भी नहीं था ना, कोई चीज़ नहीं थी, और देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट वन। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पर मैं कोशिश करता था कि बच्चों को जो उनको इन्वॉल्व करके, क्योंकि गांव में होता था, नेचुरल इन्वायरमेंट ज़्यादा थी उधर, तो पढ़ने में और पढ़ाने में उधर ज़्यादा मज़ा आता था। तो वहाँ पर तो मैं एज अ टीचर सेंटर ही था ना, क्योंकि मेरी टीचर डोमिनेंसी होती थी, और मैं एज अ टीचर जैसे क्लासरूम में जाना है, बोर्ड को यूज़ करना है। लेकिन जो मेरी जो टीचिंग लर्निंग में जो चेंजेस आई थी ना, वो 2014 के बाद आई है। अच्छा, 2014 में क्या हुआ था कि 2015 में मुझे टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूएसईएफपी की मदद से, और आईरेक्स के ताउन से मैं फिर यूएसए गया था। और उस यूएसए वाली जो ट्रेनिंग थी, वहां पर फिर हमें मालूम हुआ कि टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर में क्या फर्क है, और टीचिंग मेथड्स किस तरीके से यूजफुल होते हैं फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। तो फिर मैंने आफ्टर 2014 जो है, ये टोटली मेरा जो टीचिंग लर्निंग पैराडाइम है वो शिफ्ट कर लिया फ्रॉम टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंटर, लाइक दिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। सर आपकी जो टीचिंग की जर्नी है उससे हम मुखातिब है, लाइक हमें जो भी है आपके स्ट्रगल वो सारी पता है। लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी वी कैन से बैकवर्ड स्कूल, और उसको आपने एक अच्छे मकाम पे पहुंचाया, एंड देन जो है आपने वहां पे स्टॉप नहीं किया, यू मूव्ड ऑन यू नो अदर प्लेटफॉर्म। तो सर सबसे पहले जो मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने हमारे यहाँ की जो पाकिस्तान के टीचिंग मेथड है, यहाँ पे कौन से फ्लॉज महसूस किए? लाइक जैसे आप यूएसए से आए तो आपने क्या महसूस किया, कौन से फ्लॉज है जो कि हमारे टीचर डेली बेसिस पे करते हैं टीचिंग में? असल में मिस्टर विशाल, एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर जो इधर ऑब्जर्वेशंस मैंने जो किए, या मैं खुद भी मुख्तलिफ एजुकेशन टीम में और ट्रेनिंग्स में रहा हूँ, तो हमारा टीचर बेसिकली जब टीचिंग प्रोफेशन में आ जाता है तो वो अपने आप को डोमिनेट समझता है, यानी क्लासरूम का वो यानी कहते हैं कि डोमिनेट पर्सनालिटी है। yes, और वो अपने हिसाब से रूल्स बताता है, अपने हिसाब से सारी चीजें बताता है, और जैसा वो होता है ना, वो वैसा स्टूडेंट्स को बनाने की कोशिश करता है। yes, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो जनरेशन में क्रिटिकल थिंकिंग का गैप है, आइडियाज का गैप है, पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को चांस मिलता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो टीचर उन्हीं को फेवर देता है जो उसके पास आइदर ट्यूशंस पढ़ते होंगे या फिर जो क्लासरूम में एक्टिव होंगे, वो उन्हीं को फोकस करता है। तो यहाँ सबसे जो मेजर जो इश्यू है वो ये है कि जो हमारा टीचर है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्ट्रेस होता है। यस सर, ठीक है। उसके अलावा कोर्स कंप्लीट कराने का भी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट सेंटर पे बहुत कम जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक मैं ऑडियंस के लिए सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज टीचर बेस्ड क्लासरूम एंड व्हाट इज स्टूडेंट बेस्ड? अब देखो, हमारी जब मैं ये रिसर्च पढ़ रहा था आगा खान में, भी हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था वहां पर, तो टीचर सेंटर इज बेसिकली जो एक बिहेवियर थ्योरी को रिलाय करता है,
और जिसमें यानी टीचर अपना जो भी टॉपिक होता है वो जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच इस पे बोर्ड पे आके और उसके बाद उसको समझाना और ट्रांसलेशन, स्टूडेंट्स नोट यस सर, टेकिंग करते रहें और फिर उसको याद करके टेस्ट करके, दैट इज फाइन आई थिंक सर इसे ट्रांसमिशन भी कहते, ट्रांसमिशन लाइक कहते, दिस, यस ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है कि कॉपरेटिव लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम डिवाइड करके वही टॉपिक अगर दे देंगे, उनको थिंकिंग का थोड़ा चांस देंगे, तो फिर क्या होगा कि उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को गेन होगी। वेरी नाइस सर, आपको पता चल गया कि स्टूडेंट सेंटर क्लास और टीचर सेंटर क्लास में क्या फर्क है। लाइक एक होता है जहाँ पे टीचर डोमिनेंट होता है और टू वे लर्निंग नहीं होती, दैट इज वी से लाइक टीचर सेंटर्ड क्लास, बाकी स्टूडेंट लर्निंग क्लास या वो जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान की या हमारे जो ये नेटिव जो भी लाइक है यहाँ की सेटिंग देखें तो यहाँ पे लार्ज क्राउड होता है, बिल्कुल मतलब एक आइडियल क्लासरूम नहीं होता, एक मैनेजेबल क्वांटिटी स्टूडेंट्स की नहीं होती। अच्छा, ऐसे सिचुएशंस में हमारे जो टीचर्स हैं वो काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तो ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू वो जो टीचर है हर एक बच्चे से इंटरेक्ट कर पाए या कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लार्ज क्लास सेटिंग में? बिल्कुल, जब मैं बेक हुआ था 2015 में यूएसए से, तो मेरा भी क्लास क्राउडेड ही क्लास था एक मिडिल स्कूल में, और वहां पर फिर क्या होता था कि मैं अक्सर यानी जो बच्चों की एक्टिविटी वाली जो चीजें होती थी वो करवाता था। अच्छा, उसमें देखो क्राउडेड क्लासरूम इज दैट इज आल्सो फाइन, हम इंक्वायरी बेस्ड मेथड भी ला सकते हैं ना, इंक्वायरी बेस्ड, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड क्या होता है, या सोक्रेटिक मेथड जिसको हम कह सकते हैं, कि क्वेश्चन पूछ के यानी उसी टॉपिक पे हम बच्चे को ला सकते हैं, उसको चांस तो दें ना बोलने का। हम क्या करते हैं कि हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, भले क्राउडेड ही हो, हम पूछें कि यार अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं एकदम स्टार्ट हो जाऊं कि हाँ भाई ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने ये करना चाहिए कि यार बच्चे क्या जानते हो आप ऑलरेडी, उनमें से क्वेश्चन पूछूं। कोई बोल रहा है कि हाँ यार हमें पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ सिस्टम, कोई बता रहा है कि स्टोमक में, तो इट मींस के स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यानी हम क्राउडेड क्लासरूम में भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मैंने ये किया था वहां पर एक इंटरेस्टिंग वे में कि उसी क्लास सिक्स में मैंने एक्टिविटी बेस्ड एक मेथड ट्राई किया था जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो गए थे, वो था साइंस में और टॉपिक था क्लाइमेट चेंज पे, यस सर, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पे हमारे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए थे कि आप ऐसा करो, एक इंटरव्यू लो, पेरेंट्स से दो क्वेश्चन पूछो, टीचर से पूछो, ठीक है, और आपके दोस्त जो है उनसे भी पूछो। तो मैंने क्या किया, बच्चों को मैंने कहा आप क्वेश्चंस खुद बनाओ और ये देखो कि पॉल्यूशन क्यों हो रही है, क्लाइमेट को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्लीनिंग हम स्कूल की कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही क्वेश्चंस बनाए। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के बाद एक रूरल एरिया वाला वही स्टूडेंट्स अपने फादर के पास भी गया घर पे, तो उससे क्वेश्चन पूछा, दोस्तों से पूछा। अब इससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स में वो लीडरशिप क्वालिटी आ गई, एक तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, दूसरा बच्चे की इन्वॉल्वमेंट उस टॉपिक में हो गई, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, वो उस टॉपिक से रिलेटेड आगे कहीं भी जाएगा तो उसको वो याद भी होगा, उसकी वो डिस्कशन भी करेगा, उसका वो सॉल्यूशंस भी बताएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टीचर जरूरी नहीं है कि डेली वो सारी एक्टिविटीज वाला पढ़ा ले, अपना पूरा वीकली जो भी टाइम टेबल शेड्यूल है उसमें क्या करे, ये डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे फ्राइडे का दिन, एक एक दफा क्या हुआ था मेरे स्कूल में, फ्राइडे वाले दिन बच्चे नहीं आते थे कंटिन्यू, मैं देखता था यार बच्चे क्यों नहीं आ रहे, आम दिनों में आ रहे, तो मैंने कहा ऐसे करते हैं फ्राइडे वाले दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते हैं खाली, हम पढ़ेंगे नहीं, हम खाली करेंगे खेलेंगे कि गेम्स खेलेंगे, और ये तो मजे की बात, आम दिनों से फ्राइडे को ज्यादा लोग आ गए बच्चे आ रहे। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे, मैं कंसिडर करता हूँ कि टीचर अगर चाहे तो वो किस वे से लेके चलता है, टीचर सेंटर हो, स्टूडेंट सेंटर हो, असल हमारा जो मेन जो कहते हैं कि एजेंट है दैट इज चाइल्ड और उसकी लर्निंग, हमें उसको फोकस करना चाहिए किस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, किस सिचुएशन में पढ़ा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं, देन वी कैन प्रोसेस। वेरी नाइस सर, सर ने जो है वो बहुत अच्छा तरीका हमें बताया कि लाइक स्टूडेंट को कैसे एंगेज रखा जा सकता है। सर, मेरा जो अगला सवाल है उसका वीकेंड से मोस्ट ऑफ द आंसर जो है वो आपके इस लास्ट आंसर में मुझे मिल गया, लेकिन एक टीचर जो है वो क्लासरूम से पहले अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आता है, लेसन प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, और उससे लार्ज क्लास में इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी एक लेसन प्लान का मैं वैसे ही देख रहा था, मैं एक जर्नली एक ये ओवरव्यू है एक छोटा सा लेसन प्लान का। अब देखो हमारे पास असल में लेसन प्लान को प्रॉपर वे में टीचर तैयारी नहीं करता है। सर, अगर जो टीचिंग किसी भी टॉपिक पे अगर करता होगा ना,
तो वो उसके पहले डिजाइन करता होगा, अपना पूरा प्लान करता होगा। हमारे पास गैप कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है कि जो स्कूल अथॉरिटीज होती हैं वो टीचर को इतना टाइम नहीं देते हैं कि वो यानी वीकली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उसको अपने जितने भी लेसन हैं उसको एक प्रॉपर प्लानिंग से वो बना लें ताकि उसको इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे ये एक छोटा सा एक प्लान है जो समटाइम आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई क्लासरूम, जिसमें देखो ये लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का है ना, यस सर। तो देखो लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव हमेशा हम बात करते हैं एक ही के यार ये जो होगा रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी और ये चीज हो जाएगी, लेकिन कभी भी हम उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव को दो चीजों में तकसीम नहीं करते हैं, खासतौर पे इंग्लिश की बात करते हैं। सही, वहां गैप है। ये वाला जो लेसन प्लान है अभी जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, तो वो देखो कंटेंट ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड कर रहा है, लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड कर रहा है। पहली बात, तो अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसका कौन सा कंटेंट कितना परसेंटेज बच्चे की लर्निंग को फायदा देगा, सेकंड नंबर पे उसका कौन सा लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होगा। ठीक है, हमारे क्लास में क्या होता है, हम टीचर आते हैं अगर रीडिंग भी कराते हैं तो खाली रीडिंग ही करा के चले जाते हैं, कॉन्टेंट का भी हमें कोई इश्यू नहीं होता है, प्लस में लैंग्वेज का कौन सा स्किल्स डेवलप हो रहा है ये भी हम फोकस नहीं करते हैं। तो इस हवाले से मैं ये सजेस्ट करूंगा इन क्राउडेड क्लासरूम के एक अच्छा टीचर वो होता है जो एक कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले अपना छोटा सा प्लान डिजाइन कर ले और उसी हिसाब से फिर उस क्लास को लेके चले। तो अगर प्लानिंग वाली क्लासरूम होगी तो वैसे वो 40 मिनट में वो कह रहा है कि मेरा टॉपिक कवर नहीं हो रहा, वो 30 मिनट में कवर हो जाएगा। यस सर, सर एज आई हैव बीन टीचर एट योर एकेडमी दान एकेडमी, ये चीज मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है, जब भी मैं प्लानिंग के साथ गया तो वो क्लास बहुत इंटरेक्टिव और बहुत नॉलेजफुल रही है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी ऐसे सर उठा के चले जाते हैं तो वो क्लास वाकई मजा नहीं देती। सो ये जो है वो आपने हमें बता दिया, एंड एवरी टीचर हु इज टीचिंग एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स दे मस्ट डू अ लेसन प्लान बिफोर टीचिंग। सर दूसरा एक है कि लाइक एक क्लास में हम जब देखते हैं कि बच्चों के लेवल्स अलग अलग होते हैं, कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई जो है बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। अच्छा, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको टीचर कैसे कैरी करे पूरी क्लास में, लाइक अब वो कैसे कर सकते हैं ये बिल्कुल मेथड हमें बताएं। अब मैं आपको बताऊं मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं क्लास में कम बोलता था सबसे, ठीक है, और इवन दो यानी क्या होता था कि अक्सर यानी चीजों को इमिट भी कर लेता था, तो उससे क्या होता था जब एक टीचर का बड़ा रोल था ना, एक अच्छा टीचर मिल गया तो उस टीचर ने क्या किया कि मेरा ग्रुप जो एक्टिव थे हमारी क्लास वाले कुछ मेरे दोस्त थे तो हम साथ बैठे होते थे तो उनके साथ ग्रुप में बना लेते थे, वो मुझे कहते थे कि यार इनके साथ बैठ के पढ़ो, कुछ चीजें आपकी लर्निंग होंगी और इस तरीके से बढ़ेंगी। तो इससे क्या हुआ, मुझे एक चांस मिला ज्यादा बोलने का, ठीक है, और ज्यादा बोलने के साथ साथ जब हम ग्रुप में अगर पढ़ते हैं स्टडी करते हैं ना तो जो न पढ़ने वाला वो भी पढ़ेगा, उसकी वजह क्या होती है कि कुछ चीजें मुझे वहां से आंसर पता चल रहे थे, वैसे मैं हेजिटेट हो रहा था कि अगर मैं बताऊंगा टीचर क्या कहेगा और इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। तो ये ग्रुप डिस्कशंस में चाहे स्लो लर्नर हो चाहे वो फास्ट लर्नर हो, दोनों मिक्स होके अगर वो साथ पढ़ेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा और स्टूडेंट्स अच्छा गेन भी कर सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल सर, यही मेथड सर कुछ ही टाइम पहले हम मैंने यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जर्व किया था, लाइक हमारे भी टीचर्स हैं वो बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके वो सारी जो चीजें ऐसे जो है वो कर रहे हैं। सो ग्रुप लर्निंग इज अगेन यू नो स्लो लर्निंग को भी बड़े अच्छे तरीके से वो क्या कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं लर्निंग के हवाले से। इसका मैं एक और ऐड करूं ना, अभी कुछ देर पहले एक टॉपिक में पढ़ा रहा था ना कि डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, ठीक है, तो मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने क्या किया उनको पहले ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दे दिया सब बच्चों को इंडिविजुअली, ठीक है। अच्छा, उस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में 3 क्वेश्चंस थे ना, और वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, उसमें 3 क्वेश्चन ये थे कि बिफोर यू रीड द टॉपिक, मैंने टॉपिक दिया था उनको, मैंने कहा था बिफोर यू रीड द टॉपिक आप क्या जानते हो उस टॉपिक के बारे में वो लिख लो उस पर। ओह वेरी नाइस। जैसे अल्सर का था मिसाल दे रहा हूँ अल्सर, तो मैंने कहा कि अल्सर पे आप लोग जो जानते हो ना, जैसे फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग में क्या जानते हो लिखो। सेकंड फिर मैंने क्या किया कि आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पता है वो लिखो, नहीं पता तो वो भी लिखो कि यार फूड पॉइजनिंग का मुझे पता है कि यार ये खाने से होती है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि ये कौन से बैक्टीरिया से हो रही है या कौन से वायरस से हो रही है, ये पता नहीं था बच्चों को। तो ये 2 क्वेश्चन थे बिफोर रीडिंग। तीसरा मैंने क्या दिया था इनको, आफ्टर रीडिंग। मैंने कहा अब टेक्स्ट खोल लो, ठीक है, अब टेक्स्ट को पढ़ लो उसको, आंसर वाले टॉपिक को या फूड पॉइजनिंग। अच्छा, उन्होंने पढ़ा, उनके जो क्वेश्चंस थे वो वहां रिजॉल्व हो गए,
इन द एंड मैंने जब पूछा, मैंने कहा बताओ अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, मैंने कहा टॉपिक कैसा लगा, बोला सर ये तो हमें पता हो गया, अभी याद भी है। तो ये स्टूडेंट सेंटर था, 100% स्टूडेंट सेंटर था। अच्छा फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा हाँ अभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉइंट थे। तो उनकी लर्निंग डबल हो गई, क्यों? क्रिटिकली सोचा उन्होंने, स्टार्टिंग से ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके बाद उनके अंदर आइडियाज आ गए, रीडिंग कैपेबिलिटी भी हो गई उनकी, और इस तरीके से उनको वो क्लियर भी हो गया टॉपिक। और उन्होंने खुद ने पढ़ा, खुद ने पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो बड़े बड़े टॉपिक हैं, हम जिक्सा यूज कर सकते हैं, थिंक पेयर शेयर यूज कर सकते हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को यूज कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है ना। टीचर पे डिपेंड करता है कि हाउ ही आर शी इज गोइंग टू यूज। सर मुझे आपकी एक बात याद है, लाइक व्हेन आई वाज इन 9th और मैट्रिक, यू सेड आई डोंट नीड एनी रिसोर्सेज। मैं एक डिजर्ट में भी पढ़ा सकता हूँ, हाँ, मैं पहाड़ पे भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे बोर्ड की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट चाहिए बस, और जो के विलिंग हो। Exactly. बस जैसे देखिए आज सर ने जो हमें मेथड बताया, लाइक स्टूडेंट ने खुद ने वो सारी चीजें पढ़ी है और खुद ने खुद के सवालों के जवाब निकाले हैं। सो सर ये जो आपकी चीज है, मतलब ऐसी जो चीज है वो, मतलब these are mind blowing. Exactly. और दूसरा बता क्या, मेनली याद रख लें हमेशा जब भी टीचिंग, माशाल्लाह से आप भी कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी अगर जरूर होंगे, yes, sir. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी एनवायरमेंट अहम रोल प्ले करती है। बिल्कुल सर, के एनवायरमेंट कैसी है, कंफर्टेबल है या नॉन कंफर्टेबल है, ये भी एक अहम एक इशू है। सेकंड नंबर पे आपका कंटेंट, आप किस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो और क्या टॉपिक है आपका, ठीक है। हम क्या करते हैं, हर टॉपिक को अपने पैटर्न से लेके चलते हैं, जो गलत है मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ाने का अलग मेथड होता है। अच्छा तीसरे नंबर पे आप किस तरीके से मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कर सकते हो ताकि वो ज्यादा बोले, सही। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है, अगर ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे तो फिर फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस सर, यस सर, जस्ट वन मिनट। यस, अच्छा सर ये जो आपने तरीका बताया है, दैट वाज यू नो वेरी हेल्पफुल। नाउअडेज वी एक्सपीरियंस लाइक जो बच्चे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, किसी की जो मदर टंग है वो होती है, किसी की। सर ऐसे क्लासरूम में हम कैसे मैनेज करें कि जिसमें एवरीवन मस्ट इंक्लूड देमसेल्फ इन द क्लास, इस बैरियर को कैसे खत्म किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्या होता था कि मिडिल स्कूल में पढ़ाता था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस को उसी को केस स्टडीज को डिस्कस करता हूं। तो सिक्स क्लास में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे वो मुख्तलिफ प्राइमरी स्कूल्स के आते थे ना, रूरल के, बिल्कुल। और सिक्स में हमें इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ती थी, तो फिर मैं क्या करता था, उनको उस क्लास के मेन स्ट्रीम में सबके साथ लेके जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी ना। तो मैं क्या करता था, शुरू वाला 1 month उनकी जीरो क्लासेस चलाता था, जीरो क्लासेस, ठीक है। उसको मैं नाम देता था जीरो क्लासेस का, और उसमें क्या करता था मैं, उनकी जो बेसिक स्किल्स होते थे ना, जो वो नहीं पढ़ के आए और जो छठी में पढ़ने के लिए जरूरी होते थे, वो उनको मैं कवर करा देता था वहां पर। वेरी नाइस, ठीक है। बेसिक्स, चाहे वो अल्फाबेट हो गए, डिफरेंट वर्ड्स हो गए, सेंटेंस मेकिंग हो गई, ताकि उनको हल्की फुल्की वो चीजें आ गए। सही। तो 1 month थोड़ा टाइम तो लगता था, लेकिन क्या होते थे, वो कॉन्फिडेंट हो जाते थे। वेरी नाइस। और फिर वो नॉर्मल क्लासरूम में आ जाते थे और इस तरीके से वो प्रोसेस हो जाता। बिल्कुल सर, यही इसी तरीके से जो गैप है वो खत्म किया जाता, खत्म किया जाता है। और कोई प्राइमरी से जो बच्चे हैं वो हायर सेकेंडरी में जो जब मूव करते हैं तो गैप आ सकता है। और दूसरा इसमें मैं आपको ये भी कहूँ कि खासतौर पर हमारे इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो हर किसी बच्चे को बिठा देते हैं ना, जैसे आ गया और उसको बिठा दिया, तो बिठाना नहीं चाहिए, पहले उसकी टेस्ट लेनी चाहिए। टेस्ट के बाद उसको क्या करना चाहिए, जो उसमें गैप्स है ना, उस गैप्स को कवर करना चाहिए। यस सर। हम क्या करते हैं कि नहीं, हम गैप को नहीं, अब स्लो लर्नर भी उसमें आ गया, वो हाई लर्नर भी आ गया, मिड लर्नर भी आ गया, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। और यही प्रॉब्लम डेवलप होती है अगर जब वो स्लो लर्नर को अटेंशन नहीं होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। यस सर। और जिसकी वजह से डिस्टर्बनेस हो जाती है। तो प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हम अगर इस हवाले से देखें। नंबर टू, स्टूडेंट सेंटर को भी क्लासरूम में संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो एक्सपर्ट प्लानर होगा, जिसकी लेक्चर की तैयारी होगी, वही उसको स्टूडेंट सेंटर को लेके चलेगा। अदरवाइज टीचर डोमिनेंट आएगा, क्लास में अपना बताएगा, अपना बिहेवियर सुनाएगा, अपनी स्टोरी सुनाएगा, इस तरीके से वो चलेगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अब थोड़ा सा रोट लर्निंग की तरफ आते हैं सर। हाउ कैन वी इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? लाइक क्लासरूम में हमारे जो टीचर्स हैं वो एकेडमिक पे इतना फोकस देते हैं, फेयर काम पे इतना वो फोकस देते हैं, तो क्या इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है? कभी भी। इफ नॉट, सो हाउ कैन वी डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? हमारे असेसमेंट सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है।
क्योंकि हमारे पास जो स्कूल में अर्ली ग्रेड से लेके 8वीं ग्रेड तक जितनी भी असेसमेंट की जाती है बच्चे की, वो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे की जाती है, ठीक है। और वो लो ऑर्डर जस्ट डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा उसको, यानी उस हवाले से क्रिटिकली एनालाइज करना एनालाइज नहीं नहीं आता, करता। किसी पैराग्राफ को समराइज करना नहीं आता, एलाबोरेट करना नहीं आता, तो मकसद कहाँ से डेवलप होगा। तो हमें चाहिए हर स्कूल को कि कोशिश ये की जाए कि एक असेसमेंट उनकी 3-3 मंथ में, जो उनको यानी क्रिटिकली थिंक आउट करने के लिए मजबूर कर जाए, वो क्वेश्चंस देने चाहिए बच्चों को हर पेपर में, सही, हर मंथली टेस्ट में, हर पेपर में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे देने चाहिए, ताकि वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा उसको कवर करे, सोचे। अब हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादातर अलमिया ये है कि टीचर्स अक्सर क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, ये खास क्वेश्चन होता है इलस्ट्रेशन वाला, एलाबोरेशन वाला, उसको छोड़ देते हैं, और सही। जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में वो चीजें नहीं आती, वो रूट लर्निंग बढ़ेगी कि डिफाइन करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। सही, तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को फोकस अगर कराना है तो हमें वो क्वेश्चंस भी हाईलाइट करने होंगे। ऑलराइट सर। सर अगर हम देखें तो एक्सेप्ट यू नो असेसमेंट्स क्लासरूम में, अब क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इनकरेज कर सकते हैं क्लासरूम में टीचर? एक्टिविटीज हम ये कहें कि एक 10-15 दिन में हम एक ऐसी एक्टिविटी कराएं, और उसको फिर हम क्या करें कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, खासतौर पे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में कोशिश ये की जाए कि यानी जो ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएं जिस पे बच्चा सोचे कि हाउ द फैन इज मूविंग, ठीक है, ये नहीं है कि या हाउ द डे एंड नाइट अकर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बस ये बता दो कि अर्थ रोटेशन या अर्थ रेगुलेशन क्या है, इंस्टीड ऑफ उसको ऐसे बताएं ना कि बिल्कुल हम वो डिफाइन कर, हम क्वेश्चन का तरीका गलत है, असेसमेंट का वे गलत है। सर, असेसमेंट तवील नहीं लो, असेसमेंट भले नॉर्मल लो बट लेकिन क्रिटिकली कॉन्सेप्चुअल लो, आइडियल लो, क्रिएटिविटी में होनी चाहिए। तो जैसे। बड़े बड़े जितने भी स्कूल्स हैं, या अगर बाहर की बात करते हैं, तो वहां पर इसी चीजों को फोकस किया जाता है। हाँ जी सर। सर अगले सवाल पे मूव करने से पहले हमारे पास एक सवाल आया है, दैट इज जो ओपन बुक टेस्ट होती है, दैट इज अफेक्टिव फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली लर्निंग और नॉट? ये इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल्स प्लस में टीचर, ठीक है, क्योंकि देखो बुक ओपन करना हल नहीं है, आइदर उस बुक को ओपन करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है ना, क्या करना है, हमारे अक्सर क्या करते हैं टीचर, वो डायरेक्शन सही फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने ये एक एक्टिविटी बताई थी ना आपको, यस सर, अब ये एक एक्टिविटी मैं किसी को भी दूंगा ना, दे विल नॉट फॉलो, ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि व्हाट डू आई नो अबाउट द टॉपिक, चलो अभी बुक खोल के हम इसको दे दें, ठीक है, ऐसा ही कोई ऐसा पेज बनाए, ऐसा कोई वे बनाए, ऐसा कोई असेसमेंट टूल बनाए, ताकि वो बुक खोल के भी अगर उसको सामने रखे और फिर हल करे। जैसे मैप इट आउट एक्टिविटी है, मैं रिसर्च भी उस पर हुई थी ना, तो सही, उस पर हम क्या करते थे कि अगर कोई हम जैसे स्टोरी है किसी इंग्लिश के बुक में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको मैप इट आउट करो, अब लोग सोचते हैं पता नहीं ये क्या है, तो उसके करेक्टर्स अलग करो, सेटिंग यस, अलग करो, प्लॉट प्रॉब्लम अलग अलग करो, करो, ठीक है, और फिर ये सॉल्यूशंस भी बता दो। सही, अब जब वो सामने रखेंगे, बुक को भी सामने रखेंगे, तो यहाँ पर चांसेस है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, उसकी रीडिंग भी होगी, सही। तो अगर उसकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगी कभी नहीं होगी। ये मसला सो इट जो है टोटली वो, डिपेंड अपॉन द टीचर डायरेक्शन, और साथ में कोई खाली पढ़ने के बाद क्या क्या करना है और कैसे करना है वो क्लियरली डिफाइन हो। थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारे जो व्यूअर है उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर आगे जो हम चलते हैं, वो जो सवाल है हमारे जो कमिंग नेक्स्ट सेशन से, उनसे थोड़ा सा रिलेट करते हैं। हमारे जो कमिंग सेशन है, मैं ऑडियंस को भी बता दूं, दैट विल बी यू नो इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इन अवर क्लासरूम्स, बहुत उसके हवाले जरूरी से है, जो है वो बहुत हम डिस्कस जरूरी है, करेंगे। बिल्कुल लेकिन एक सवाल जो अभी मेरे पास है उसके हवाले से हम पूछ लेते हैं, एंड वी विल ट्राई के सर थोड़ा सा ब्रीफ रहिएगा, क्योंकि अगले सेशन में इन पे थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे। सही है। सर सब ये सवाल है कि मेनी टीचर्स वॉन्ट टू यूज टेक्नोलॉजी, बट रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम होते हैं उनके पास, सो वॉट आर द सिंपल वेज टू डू दिस, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं है, मोबाइल फोन देयर फोन इज इनफ। एनफ। हमने एक ट्रेनिंग करवाई थी कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, और रूरल एरिया की मैंने स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग कराई थी, और उसमें मैंने उन टीचरों को कुछ ऐसे बता दिए थे साइड्स चीजें, और उन्होंने खुद एक्टिविटीज की थी, और फिर वो मोबाइल रख के ही सारी बच्चियों को इन्वॉल्व करके बैठे हुए थे, सही और वहां से वो बच्चियां भी लर्न कर रही थी ग्रुप। अब देखो इधर कॉपरेटिव लर्निंग भी आ गई ना,
हम अगर पांच ग्रुप एक क्राउडेड क्लासरूम में बना दिया और एक डिफरेंट टीचर्स को हमने कंट्रोल दे दिया, तो वो देने के बाद उसको हम टॉपिक डिजाइन करके, लेक्चर डिजाइन करके उसको दे दें, देने के बाद उसको वो रिव्यू करेगा और उसके बाद बताएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे मेथड हैं, वी कैन यूज मींस एट मिनिमम कॉस्ट जो है मोबाइल को हम यूज करके वो चीजें जो हर घर में हर बच्चे हर टीचर के पास होता है स्कूल में, तो इसका सही यूज कर सकते हैं अगर करने पे आए तो। अच्छा सर, एक दूसरा होता है लाइक व्हेन टीचर इज कंडक्टिंग द क्लास, जो स्टूडेंट है वो इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते और वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते जैसे आपने पहले कहा था, तो दैट इज यू नो लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ मोटिवेशन। अब हाउ कैन टीचर यू नो व्हाट क्वालिटीज टीचर शुड अडॉप्ट टू मोटिवेट एवरीवन, क्योंकि आई डोंट थिंक हर किसी के पास जो मोटिवेशन की क्वालिटीज जो हैं वो होती है, और जो टीचर्स हैं वो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या सजेशन देंगे वो क्लास को, क्लास में कैसे मोटिवेशन को ला सकते हैं सर? इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यस सर, बहुत है मैंने। अब मैं अगर आपको कोई काम दे दूं इन माय क्लासरूम, ठीक है, एंड यू आर बिजी इन योर ऑन वर्क, और तो आप मेरे काम को वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं रिसेंटली मैंने एक रिव्यू लिया था डिफरेंट स्टूडेंट्स का, तो उसमें 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर नहीं नोट कर रहे टीचरों के, ठीक है, उसकी वजह क्या है, वो टीचर पूछता ही नहीं है उनसे कि इधर आपने नोट भी किया है या नहीं नोट किया, ठीक है। अब नोट अगर टीचर पढ़ा रहा भी है और बच्चा वो उसका लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, नोट भी नहीं कर रहा, तो जब वो अगर नोट नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो की तरफ मूव हो जाएगा, जब स्लो की तरफ मूव हो जाएगा जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो करता जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यस सर, तो ये टीचर को चाहिए कि उसको चेकआउट ले, और अगर वो ज्यादा कर रहा है तो उसको अलग एक ग्रुप बनाए उन चीजों का ना, और उनके कितने टास्क रहे हुए हैं उनको वो टास्क दिए जाए टाइम के हिसाब से, फिर उसको कवर करके और उसको। अच्छा सर, थोड़ा क्लास की वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं, लाइक व्हेन टीचर इज टीचिंग एंड दे से डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इजंट इट अ सब्जेक्टिव और पर्सनल अटैक टू एनीवन, और इंस्टेड ऑफ दिस डू यू वांट टू आस्क, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से इज इट क्लियर, सो which type of vocabulary should teacher you know use in the classroom, kyunki wo jo bachcha hai zyada wo subjective use na kare, actually students is our first and foremost priority na, yes sir, so anything which we must implement in the classroom that should be clear by each student, theek hai, hame ye nahi hai ki inko samajh mein aa gaya bakaya class ko bhi aa gaya, that is not considerable, so subjective to nahi hona chahiye har kisi mein, chahe wo research kyun ho, चाहे हमारी पर्सनल ऑडिट क्यों ना, वहां भी ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए ना, यही कहा जाता है रिसर्च में भी, अगर आप सब्जेक्टिव रहोगे इंटरव्यू उस हिसाब से ही पूछोगे, अपने स्कूल को डेवलप खाली करने का सोचोगे तो ये तो बात नहीं बनेगी ना, मैं तो हर स्कूल की बात करूंगा, मैं हमारी कम्युनिटी की बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये एक पर्टिकुलर ये है, मैं जनरल बात करूंगा, तो इस हवाले से मेरे को यही होता है कि हर स्टूडेंट्स को चांस दिया जाए और मालूम करने का और उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव लर्निंग इज बेस्ट सॉल्यूशन। यस सर, बिकॉज़ सर क्लासरूम में हम ऑब्जर्व करते हैं, सम टाइम टीचर अगर किसी का नाम लेके बच्चे से सवाल पूछता है, पहले दैट वाज फाइन बिकॉज़ बच्चे जो है वो ज्यादा वो फील नहीं करते, लेकिन आजकल जब आजकल का जो बच्चा है वो थोड़ा सा बदल चुका है, उनकी लर्निंग मेथडोलॉजीज जो है वो भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, और सम टाइम ये चीजें आई थिंक स्टूडेंट को डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, आपको क्या कहना है इस हवाले से? ऐसे ही होता है, असल में क्या है, हम पढ़ा तो रहते हैं ना स्टूडेंट्स को, लेकिन क्लियरिफाई नहीं करते, मैंने आपको बताया ना क्लियरिफाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, टीचर की क्या होती है नॉलेज नहीं है। अभी मेरे को क्या है कि मेरा स्कूल में क्लास इंगेज कराना है और मैंने कह दिया भाई विशाल तुम चले जाओ, आप इंग्लिश मास्टर हो और मैंने आपको मैथामेटिक्स में अभी भेज दिया जो मैथ आपने कभी पढ़ाई नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे क्लासरूम में जाके, बींग अगर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हो, आपका टच इंग्लिश का है, आपका बैकग्राउंड टोटल इंग्लिश का है, ठीक है, आप चले गए हो, मैंने कहा है कि जाके मैट्रिक की मैथ पढ़ा के आओ, व्हाट यू विल डू? आई विल जस्ट गो देयर, एक दो सवाल लिख लूंगा, बच्चों को बोलूंगा खुद ही करें, क्लास डिस्टर्बेंस, इट मींस क्लास डिस्टर्बेंस स्टार्टेड, यस, ठीक है, और इसी वजह से यही गैप है हमारे यहाँ ना, कि राइट पर्सन को राइट जगह पे नहीं यूज किया जाता, बिल्कुल, हम क्या करते हैं कि कोई भी आ गया फ्री बैठा हुआ है भाई चले जाओ इधर, ये कुछ नहीं है, अब कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है तो वो फिजिक्स का एक्सपर्ट है, नो डाउट, उसको हम इग्नोर नहीं कर, हम क्यों ऐसे कह रहे हैं कि बैंकिंग में चलो एक अकाउंटेंट है तो उसको एमबीए के लिए ही हम प्रेफरेंस देते हैं, या एक फार्मासिस्ट है
इंडस्ट्री में या ड्रग के हवाले से उसी को फोकस करते हैं, क्यों बिल्कुल करते हैं? उसकी एक वजह होती है ना कि ही और शी नोज वेल अबाउट दी रूल्स रेगुलेशंस, क्या होता है कैसे होता है वो उसको अच्छा, वो बच्चे को यानी स्पॉइल नहीं करेगा, ये याद रख लो ठीक है। और जो लेक ऑफ नॉलेज होगी, एक मिनिमम एक्सपीरियंस होगा और हम उसको प्रिफरेंस देंगे, इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द किड। यस सर। सर एक हमारे पास सवाल आया है सर कशान एजाज की तरफ से। आई हैव नोटिस दैट स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ्स में, तो ऐसे कैसे कवर किया जाए, इसे कैसे कवर किया जाए एंड स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग कैसे करवाई जाए इन सब में। मीन टू आस्क अफेक्टिव असेसमेंट बेटर कैसे हो सकती है इन, आई थिंक ही इज पार्टिकुलर टॉकिंग अबाउट मैथ्स। मैथ देखो, मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। प्रैक्टिस, अब देखो जब प्रैक्टिस हमारे पास क्लास में 40 मिनट होते हैं और हम अर्ली ग्रेड वाली अगर पांचवी छठी सातवीं की बात करते हैं तो टीचर आता है खाली सिलेबस कवर कराने में, खाली एक दो प्रॉब्लम करके बच्चे को बोल देता है कि कर लो, लेकिन ये चेक नहीं करता है कि आइदर उसने सही भी किया है या गलत किया है। तो जितनी ज्यादा मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम टेबल को भी रिव्यू करना चाहिए ना स्कूलों को। प्रैक्टिस का एक दिन होना चाहिए ठीक है, इस तरीके से रिव्यू का एक दिन होना चाहिए। खाली बर्डन आइज देखो, एक सिलेबस कवर कराना इज नॉट सॉल्यूशन। हम दो चैप्टर शुरू वाले करा दिए, एक बीच वाला करा दिया, दो लास्ट वाले करा लिए और फिर हम ये कह रहे हैं कि यार हमारा सिलेबस कवर हो गया, दैट इज नॉट कवर्ड ठीक है। हम थोड़ा पढ़ाएं लेकिन फ्रूटफुल पढ़ाएं, थोड़ा पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं, उसको प्रैक्टिस के हिसाब से, उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से हमारे टाइम टेबल को रिव्यू करें और इसी हिसाब से बच्चे को लेके चले, तो मेरे हिसाब से बच्चा चेंज हो सकता है। यस सर, दिस वे बिकॉज हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे सिलेबस कवर कर लेते हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट या एक बड़ा मिसाल आप हो ना हमारे पास पढ़े हो तो देखो हमारा मेथड एक वे का है, हम लीडर्स बनाते हैं ठीक है। हम ये नहीं है कि उसको स्पून फीडर बनाए, अगर स्पून फीडर बनाते तो वो सारे फिर वो इधर आज आप थोड़ी ऐसे बैठे होते कि यू आर गोइंग टू टॉक विद मी एंड लाइक दिस। यस यस, दैट इज अ रियली एन एग्जांपल ऑफ दान एकेडमी एंड आई एम ग्रेटफुल सर के 9th से मैंने जो है वो यहाँ पे ज्वाइन किया है। आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस एकेडमी एंड एम्प्लॉय एज वेल। सर अब जो सवाल है लाइक यहाँ पे जो भी वी कैन से सिटी में जो भी रहते हैं, समटाइम दे मे यू नो हैव प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि रूरल साइड में, उनके पास ऐसे कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग नहीं है और शायद वो आज जो है हमें देख भी नहीं रहे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो मुतासिर ही होंगे। तो आप क्या समझते हैं वहां तक ये रिसोर्स कैसे पहुंचाया जाए, वहां के टीचर्स को जो है वो कैसे ये चीजें जो है अवेल की जाए? देखो एक अगर टीचर खुद चेंज होना नहीं चाहता ना तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, मैं हमेशा अपनी हर ट्रेनिंग में ये कहता हूँ कि जिसको टीचिंग का शौक नहीं है ना वो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, बाय चांस यहाँ से चले जाए क्योंकि ये कमिटमेंट होती है ना इसमें कोई। मेरी मॉम टीचर थी तो मैं भी टीचर हूँ, मैं ऐसे खुल के एक पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। टीचिंग को लोग ऐसे मजाक समझते हैं, तो यूट्यूब पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं आजकल, हम खुद भी लर्न करते रहते हैं ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही लर्न करते हैं, डिफरेंट चीजों को पढ़ते रहते हैं, रिसर्च पेपर को पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे ये एक वो होने वाली बात है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के वो खुद से ही वो नहीं चाह रहे ना डेवलप होना। जो खुद से आप भी तो उसी लेवल पे हो, अगर आपके साथ ही कोई दूसरे होंगे, तीन अगर और थे, अगर वो विलिंग ही नहीं थे आगे बढ़ने के लिए तो उन्होंने नहीं विलिंग की, आप विलिंग थे तो यू आर मूविंग। यस सर, दैट इज नो डेडिकेशन कमिटमेंट, तो ये एक पार्ट है ना। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगेन क्लासरूम की तरफ आते हैं। क्या होता है कि सम टाइम इंस्ट्रक्शन जब टीचर्स देते हैं वो इतने र्यूडली देते हैं कि बच्चे जो है वो इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा पर्सनल लेके फिर बोलते हैं सर ने ऐसे बोला है, अब तो मैं ये करूंगा, पहले मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। अच्छा, जो इंस्ट्रक्शन हैं वो कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए विदाउट यू नो डिस्करेजिंग देम? देखो सबसे पहले हमारा बिहेवियर है ना प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्कशंस, इन कम्युनिकेशन, इवन दो हमारी पर्सनैलिटी टीचर की। यस सर, टीचर के लिए मैं ये कहता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा आपके पास कब आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा ना। अगर आपकी नेचर ही रियूड रहेगी और कहेगा तो वो मैंने ये भी आपको बता दूं कि ड्यूरिंग स्कूलिंग मैंने इतने बच्चे भी देखे हैं जो स्कूल से भागते थे, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, वो टीचर था, ठीक है। अच्छा, कुछ वॉशरूम में बैठ के टाइम वेस्ट करते थे कि ये टीचर क्लासरूम से चला जाए, तो उसकी वजह क्या थी, वो टीचर था। तो टीचर को चाहिए पोलाइट होना, उसको सुने, अगर जो इश्यूज है उसको डिस्कस करे, अगर उससे क्लास संभाली नहीं जा रही तो भी आके वो डिस्कस करे, एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करे,
या वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है उसके पेरेंट्स से डिस्कस करे तो इस तरीके से वो चला सकता है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा एक अगला सवाल है, अब बाकी कुछ ही सवाल ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं सम ऑफ देम आर सेल्फ ओरिएंटेड, जो कि खुद पे फोकस करते हैं, अब उनको जो है सेल्फ ओरिएंटेड से हटा के एक ग्रुप ओरिएंटेड पर्सन कैसे बनाया जाए? ठीक है, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ खुद को डेवलप करना ना हो लेकिन कम्युनिटी को डेवलप करना हो। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड स्पेशली नाउ इट इज इन एवरी क्लास। कोई स्टूडेंट्स दूसरे को नहीं बताता, आई मीन तो कोई चीज शेयर भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिसेस पे। इफ गुड टीचर इज इन द क्लास रूम, ये वो उसको चाहिए कि वो मोस्टली ऐसा ग्रुप बनाए कि जिसमें वो नहीं बनते उनको बनाए, ठीक है। और इवन तो जैसे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रही है या ग्रुप टास्क हो रहा है, टीचर भी मौजूद हो, उन ग्रुप को भी वहां पर बिठाए और कहे कि यार साथ काम करो, कुछ ये करे कुछ आप करो, इसे मिलके करो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा उनका बॉन्ड भी क्रिएट होगा, एक सोशल भी आएगी और किस तरीके से उसको डेवलप करना है वो भी आएगी। प्लस में हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज कराओ कम्युनिटीज की ना, इसको भी हम इग्नोर करते हैं बच्चों को कि यार नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये भी एक गलत बात। स्कूल बच्चे को आउट ऑफ स्कूल भी मूव कराओ उसको, कभी ये क्लीनिंग ड्राइव करा लो, स्कूल में ही करा लो, स्कूल से आउटसाइड करा लो, लेसन तो है ना सारे हमारे। यस सर, ठीक है। हम क्यों नहीं कभी क्लीनिंग ड्राइव कराते, हम कहते हैं नहीं ये हमारा तो काम ही नहीं है, हम उधर ही ट्रेश फेंक रहे हैं ब्रेक में। एक दिन रख लें बच्चों का, भाई चलो आप खुद ही आज ब्रेक के बाद स्कूल को क्लीन करो, अपनी अपनी क्लासों को क्लीन करो, सो लेट्स सी, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी और पता भी चल जाएगा। यस सर, तो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी को कहते हैं ना, कि जब हम खुद सोचेंगे उसके बारे में। बिल्कुल, कि मतलब स्टूडेंट को इन चीजों में एंगेज करने एंड ऑल दीस थिंग्स। अच्छा सर, एक जो सवाल है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो है ये बेस्ट करता है। आई एम आस्किंग दैट हाउ कैन टीचर्स अडॉप्ट मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, लाइक वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो भी मल्टीपल जो इदारे हैं उन्होंने काम किया है और आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो इतना जल्दी से किन चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, बिकॉज वो कोई कोई ऐसा होता है कि अपनी एज के उस सतह पे होता है कि दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट एनीथिंग, बिकॉज जो चीजें वो 40-50 साल से वो करते हुए आ रहे हैं उसके बाद कोई नया इनोवेटर उनके सामने आ जाएगा, बोले कल का बच्चा हमें क्या सिखा। सो ऐसा ऐसी जो थिंकिंग उसे कैसे चेंज कर सकते हैं? ऐसी कोई हम वी आर नॉट कंसर्न विद एनीवन ना, अगर आपकी टीचिंग अच्छी है आप कॉन्फिडेंट हो, सो डोंट थिंक अबाउट एनी अदर पर्सन, ठीक है। दूसरा, मेरी टीचिंग लर्निंग में मैं ये कहता हूँ कि सब पढ़ा लो, जिससे कोई नहीं पढ़ेगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मेरी जितनी भी टीचिंग होती है हर बार मैं नया करता हूँ, हर बार, चाहे लैंग्वेज हो चाहे वो साइंस हो, मैं कहता हूँ यार ये तो ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं ना, आज कुछ नया करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा, बच्चे को भी देखो न्यू, आप शर्ट अगर न्यू क्यों पहन रहे हो, वही पुरानी क्यों नहीं पहन रहे हो, ड्रेस न्यू क्यों ले रहे हो, इनोवेटिव नहीं आएगी, आइडियाज नया होगा, आपका कंटेंट नया होगा, उसका वे नया होगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी लाइक करेगा आपको। लेकिन आप अगर वही अप्रोच अप्लाई करोगे जो 10 साल पहले अगर चल रही थी तो फिर क्या फायदा, मींस आप अपडेट ही नहीं होना चाहते। बिल्कुल सर। अच्छा, आज के जो हमारे लाइव चैट के भी जो सवाल थे और जो के मैंने नोट किए थे सेशन के हवाले से, वो खत्म हो चुके हैं और आपने जो है वो बहुत सारी प्रिपरेशन भी की है। एंड आई वुड लाइक टू आस्क, अगर कोई ऐसी चीज जो कि मैं ना पूछ पाया हूँ और आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं तो काइंडली। मैं सजेशन यही दूंगा कि एवरी टीचर कैन डेवलप स्टूडेंट सेंटर, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कंटेंट और उसका प्रोसेस कि हाउ ही आर शी इज गोइंग टू टीच। नंबर टू, मोर अंडरस्टैंडिंग होती है थ्रू स्टूडेंट सेंटर, मैं आपको बता दूं और कोई हल नहीं है। दूसरे नंबर पे क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, आइडियाज डेवलप भी होते हैं। ये सारे जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी जो मैं बता रहा हूँ मिल रही हैं थ्रो स्टूडेंट सेंटर मिल रही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा हफ्ता उसी में पढ़ाएं, बच्चों को डिस्टर्ब करें, नो, हफ्ते में एक दिन रख लें, कोई इशू नहीं है, अच्छे से बच्चा वो पढ़ लेगा। yes, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब देखता हूँ सारे टीचर बहुत पढ़ा के आए तो मैं नहीं पढ़ाता ना उनको, फिर मैं स्टूडेंट सेंटर वाली एक्टिविटी कराता हूँ बच्चों को। yes, sir. ताकि वो बच्चा खुद इंटरेस्टिंग हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, खुश भी हो जाए, बोर भी नहीं हो, ठीक है। तो ये चीजें आप अप्लाई करो एंड आई होप के आपकी टीचिंग अच्छी होगी। और अपने आप को अपडेट करो, स्टॉप नहीं रहो, टेक्नोलॉजी को यूज करो, यूट्यूब के चैनल्स देखो, जितनी चीजें हैं उसको यानी प्रॉपर वे में यूज करो तो फिर फायदा होता है। अच्छा सर, अगर मैं काइंडली माइंड ना कीजिएगा, हाँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और सर की जो भी मैंने क्लासेस ली है, वी कैन से लाइक मोर देन 60% हमने आउट ऑफ क्लास पढ़ा है।
सही है, मोर देन 60%। सही है, जब भी देखते हैं हमारे जो भी टीचर है वो बोर्ड भरा हुआ है सर, कहते हैं इतना बोर्ड भरा है, बहुत पढ़ा होगा आपने, आ जाओ बाहर गेम खेल। एग्जैक्टली, तो ग्राउंड में आके हम कभी सर्कल बनाते थे, कभी दूर दूर बैठते थे, कभी ग्राउंड। ये चीजें आप क्या समझते हो, विच वन इज इंटरेस्टिंग आपको? अगर देखो अभी भी याद है ना मेथड, तो ये बड़ी एक कामयाबी की निशानी होती है ना कि स्टूडेंट्स को वो चीजें याद हो। अगर आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर आप जो कराते हो ना साइंस में, दैट इज आल्सो स्टूडेंट सेंटर, और हम इसको इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार नहीं कराएं, तो दैट इज पार्ट ऑफ, यानी कॉन्फिडेंस का भी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का भी होता है, लीडरशिप का भी होता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आप स्टूडेंट्स में ये चीजें डेवलप करो वो लीडर बनेगा, अगर ये डेवलप ही नहीं करोगे तो वो कहां से लीडर बनेगा? हम बातें करेंगे यार ये लीडर बनेंगे, इसको यूं करेंगे, खाली खुद की बातें बता के थोड़ी लीडर बनेगा। उनकी बातें सुनो, उनकी बातें सुनो तो ही जाके वो लीडर। एंड सर आज का जो सेशन है वो फॉर्मली यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूँ, जैसे कि दान एकेडमी जो है वो अभी आप फेसबुक से देख रहे होंगे या यूट्यूब पे भी शायद आप देख रहे हो। दान एकेडमी इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मीर कॉलोनी, इट प्रोवाइड्स कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 9th टू इंटर एज वेल एज, और जो डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं जो हम सब मिलके इसको चलाते हैं, रन करते हैं, और अच्छी अच्छी फैकल्टी है जिसमें सर काशान साहब हमारे पास हैं, फिजिक्स में सर सुल्तान साहब हैं, और उसके अलावा सर आमिर साहब हैं, ठीक है, मिस मुबीना हैं, और हमारे पास और भी हैं। तो हमारा ये मकसद, अच्छा ये हमारी टीम भी ऐसी होती है ना, कोई बड़ी इतनी नहीं होती है, और उस हवाले से वो डील करते हैं। जैसे आप देखो हमारे वॉलंटियर शुरू से मौजूद हो, यहीं के स्टूडेंट्स, यहीं के एलुमनाई, यहीं के लीडर, और यहीं पर फिर काम भी करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सर काशान हैं, वो हमेशा बैकअप पे सपोर्ट करते रहते हैं हमें, जैसे आज भी वो संभाल रहे हैं चीजों को। तो होपफुली मुझे खुशी होती है, और हम आगे जो हमारे टीचर्स हैं उनको लेके आएंगे। सर मंजूर मेमन साहब हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं, ठीक है ना। सर जैन साहब हैं, मैं कोशिश करूंगा सर जैन को भी कभी हम इनवाइट करें और लेके आए टंडो जाम। उसके अलावा और भी जितने एजुकेशनिस्ट हैं, सर अरशद महमूद हैं हमारे, तो जितने भी मास्टर ट्रेनर भी हमारे ग्रुप वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि स्लो स्लो उनको भी हम दान दें। का ये बताने का मेरा मकसद ये था कि दान सिर्फ एकेडमिक पर फोकस नहीं करता, मैंने मेरी जो सोशल लाइफ की जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हुई। आई बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ दान एकेडमी स्टूडेंट क्लब, तो वहां से ये जो भी वॉलंटियरिज्म है वो मुझे बूस्ट हुआ। सो मीन टू से दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर योर लर्निंग एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है इसे लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी अपडेट अब आपके सामने हर हफ्ते आ जाएगी। जिनमें से कुछ तो सर ने रिवील कर दिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी इन 21st सेंचुरी, आवर नेक्स्ट डिस्कशन विल बी ओवर दिस, एंड आल्सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे भी बात करें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे ना, क्योंकि असेसमेंट बड़ा अहम इशू है ना, हम असेसमेंट की बहुत बड़ी एक उस पे कर सकते हैं डिस्कशंस। और इवन दो, अच्छा दूसरा अभी मैं आपको ये बताता चलूं, हमने ये भी प्लान किया है कि जितने भी स्कूल्स हैं अगर वो चाहते हैं ट्रेनिंग के हवाले से, तो वो हमारे पास जो टीम हमारी मौजूद है एक्सपर्ट्स की, वो मौजूद होगी, आइदर आपके स्कूल में भी आ जाएगी आपको ट्रेन करने में, और यहाँ वीकेंड पे अगर किसी सैटरडे को एक घंटे की ट्रेनिंग, दो घंटे का रिफ्रेशर, वो हम एकेडमी पे भी और कम्युनिटी बेस्ड स्कूल में भी हम प्लान कर सकते हैं। तो जो भी अगर विलिंग हो, तो एक हमारा ये प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा टीचरों को अवेयर करना, उनको चेकआउट करना, उनको मॉनिटर करना, स्कूल्स को प्रोग्रेस दिलाना, बच्चों की प्रोग्रेस बढ़ाना, ये असल हमारा। इट इज अगेन अ ओपन कॉल फ्रॉम दान एकेडमी, अगर आपको ऐसी किसी भी चीज की फैसिलिटी चाहिए तो वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो इसी बात पे हम जो है इस ऑनलाइन सेशन का बाकायदगी से इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस पूरे को देखा, और आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।